नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये है MU L&T कंपनी का स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है दोस्तों। जैसे ये MU1, MU2, MU3 सभी टाइप मॉडल का जो वायरिंग होता है वो सेम होता है, जो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये L&T कंपनी का। तो इसके बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप वीडियो में पूरे बनी रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप वीडियो को समझ में आपका अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को और दोबारा व्यूज करके देख सकते हैं। कोई भी क्यूरीज वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टर है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें वायरिंग का जो डायग्राम हमने आपको लास्ट में दिखाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसका जो वायरिंग डायग्राम होता है वो तो उससे ज़्यादा अच्छा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ हम वीडियो भी आपको आगे दिखा देते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। देखिए ये आ गया, हमने 3 वायर लिया हुआ है, ऊपर से सप्लाई RYNB, ये तो आपको दिख रहा है। ये पावर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये डेल्टा है, RYB यहाँ से मेन कॉन्टेक्टर से लिया हुआ है ऊपर से, और ये यहाँ से आउटपुट से RYB जो कि स्टार के लिए हमने यहाँ से उसके आउटपुट में जोड़ दी। ये पावर सप्लाई है इसका RYB, ये स्टार है, ये डेल्टा है, और ये मेन कॉन्टेक्टर है। यहाँ से रेड, ये इसका पावर का सप्लाई होगा। यहाँ से रेड वाले से हमने इसके NC पॉइंट पे, यहाँ ये वाला NC है, यहाँ पे हमने ये सप्लाई लिया हुआ है। यहाँ से हमने ये NO वाला पॉइंट पे सप्लाई लिया हुआ है, NC से होते हुए NO पॉइंट पे। इसका रिले रेंज जो कि 32 ये है इसका 35 एम्पियर है मैक्सिमम। और ये आपको पास से दिखा देते हैं अच्छे से। देखिए ये आपको पास से अच्छे से दिख जाएगा क्लियर। इसका मैक्सिमम जो रेट है वो 35 एम्पियर तक का है मैक्सिमम। तो ये इसका रिले का रेंज है। ये देखिए ये NO से डायरेक्ट यहाँ पे NO पॉइंट पे आया हुआ है, यहाँ पे जो मेन कंडक्टर है वहाँ से होते हुए इसके कॉइल में NO से A1 कॉइल पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ से एक पॉइंट सीधा यहाँ ये वाला उठा के NO से उठा के डायरेक्ट ये वाला जो तार दे आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट ये देखिए आपको दिख रहा है, ये 14 नंबर से डायरेक्ट उठा के स्टार के 14 नंबर में हमने ये वाला 14 नंबर NO पॉइंट पे दे दिया है। यहाँ से उठा के ये वाला 14 नंबर से उठा के मेन कंडक्टर के स्टार के 14 नंबर पे हमने एक पॉइंट दे दिया है NO से NO में, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट ऐसे करके उठा के इसके NC में डाला है स्टार का, ये वाला NC है स्टार का, हमने अलग से लगाया है, उसमें NC नहीं था। तो देखिए आपको पास अच्छे से दिखा देते हैं। ये इसका NC है स्टार का, ये वाला NC है स्टार का। यहाँ से एक वायर निकल के जो डेल्टा का A1 पॉइंट है वहाँ पे हमने दे दिया है, कॉइल का A1 पॉइंट है डेल्टा का, वहाँ पे हमने इसके स्टार के NC से दे दिया। देखिए आपको दिखा देते हैं पास से, ठीक है। ये इसका कंट्रोल वाला हो गया। उसके बाद ये वाला जो वायर है NO पॉइंट से मेन कंडक्टर का, ये वाला यहाँ से ये वाला देखिए दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से डायरेक्ट हमने यहाँ पे इसका 13 नंबर जो है स्टार का वहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, एक कंट्रोल का है। उसके बाद वहाँ से हमने 4 नंबर पे टाइमर पे लाया हुआ है। अब 5 नंबर से एक हमने 6 नंबर पे टाइमर के नीचे में लूप कर दिया है। उसके बाद 5 नंबर से एक वायर यहाँ पे स्टार के A1 पॉइंट पे आ गया, ये इसका कंट्रोल वायरिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं A2 से। ये वाला जो वायर है A2, ये डायरेक्ट ये वाला ब्लू फेस से मेन कंडक्टर के वहाँ से हमने मेन कंडक्टर के A2 पे लिया हुआ है, कॉइल के A2 पे। यहाँ से हमने डेल्टा पे लूप किया है एक, फिर डेल्टा के ये वाला वायर लूप किया, वहीं से एक वायर उठा के डेल्टा से A2 से डेल्टा के NC से होते हुए, देखिए ये NC है इसका डेल्टा का NC से होते हुए डायरेक्ट स्टार के A2 में हमने कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद एक जो A2 से निकाला हुआ है यहाँ पे, देखिए आपको पास से दिखाते हैं, ये इसका NC है डेल्टा का NC से होते हुए डायरेक्ट स्टार का A2 पे कनेक्शन कर दिया है। और A2 से यहीं से उठा के टाइमर के 7 नंबर हैं पास से आपको दिखा देते हैं, हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब ये इसका NC है, ये यहाँ पे कनेक्शन आया हुआ है इसके स्टार के NC से, ये डेल्टा पे, और डेल्टा के NC से स्टार पे आया हुआ कनेक्शन, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा वो आपको आगे बता देते हैं। ये इसका NC यहाँ से यहाँ आएगा, जैसे ही इसको NO को दबाएंगे, ये वाला NO पॉइंट है मेन कंडक्टर का,
जैसे यहाँ पे एनओ से होते हुए ये यहाँ से एनओ से होते हुए, क्योंकि पहले से ये ब्लू कलर का फेस A2 पे आया हुआ है, तो इसको पहले से यहाँ पे फेस आया हुआ है यहाँ पे, अब A1 पे फेस आने की ही ज़रूरत है। ये वाला NC हो जाएगा, ऐसे ही इसको दबाएंगे ये वाला NC हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर जो है ये वाला ऑन हो जाएगा, इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑन हो चुका है, तो यहाँ से इसका A2, अब डेल्टा के A2 पे आएगा एक, उसके बाद ये NC से होते हुए, डेल्टा के NC से होते हुए स्टार के A2 पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद जो एक वाला जो है हमारा ये वाला एनो पॉइंट का एक वायर डायरेक्ट इस स्टार के एनो में आया हुआ है, यहीं से ही ये वाला टाइमर के 4 नंबर में गया हुआ है। उसके बाद 5 नंबर से यहाँ पे A1 पे ये भी स्टार ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टार ऑन हो जाएगा, यहाँ से NC से होते हुए ये A2 पे आया हुआ है, तो ये इसको दोनों फेस पूरी तरीके से मिल जाएगा। ये टाइमर इसको 5 नंबर से, ये वाला जो वायर है 5 नंबर, देखिए ये जा रहा है यहाँ से 5 नंबर से इसको A1 पे सप्लाई चला जाएगा, जो कि A2 पे पहले से सप्लाई आया हुआ है, ये ऑन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये इसका A1 है, यहाँ से A2 पे आया हुआ है NC से होते हुए, तो ये इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा और इसका NC जो है NO हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा कंडक्टर, इसका जो स्टार का NC है NO हो जाएगा, फिर इसके लिए सप्लाई नहीं जा पाएगा, तो ये डेल्टा हमारा ऑन नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, टाइमर जो है 5 नंबर से सप्लाई, जो कि ये वाला सप्लाई जो है बंद कर देगा, और ये जो NC हुआ था ये वाला NC फिर सॉरी ये NO हुआ था, ये NC हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सप्लाई सीधा डायरेक्ट डेल्टा के A1 में चले जाएगा, ये वाला डेल्टा का जो A1 है यहाँ पे, ये देखिए कॉइल का A1 साइड है। फिर ये जैसे ये आएगा ये ऑन हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ तीनों पे फेस मोटर के लिए यहाँ पे सप्लाई ले जा सकते हैं, यहाँ से मेन कॉन्ट्रेक्टर से भी सप्लाई ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेल्टा के NC जो है NO हो जाएगा ऑन होने के बाद, डेल्टा ये मेन कॉन्ट्रेक्टर है, तो इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। और ये जो हरे कलर का वायर दिख रहा है, ये हमने इंडिकेटर के लिए यूज़ किया हुआ है, आपको और अच्छे से समझ में आने के लिए हम इसका जो डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम, वो आपको दिखा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वायरिंग डायग्राम भी इसका, ताकि उसके ज़रिए से आपको और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए ये कैम कैसे करेगा, ये NC से स्टार के NC से डायरेक्ट डेल्टा पे गया है और डेल्टा के NC से स्टार पे आया हुआ है टाइमर, जो कि 5 नंबर इसका स्टार को ऑन करेगा। ये देखिए ये इसका वायरिंग डायग्राम है, ये बिना टाइमर का है इधर का, ये देखिए इस तरीके से पावर सप्लाई वगैरह B1 A1 C1 इस तरीके से दिया हुआ है, आप इसे यूज़ करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम इसको टाइमर के साथ भी अब एक और डायग्राम है बगल में, वो भी आपको दिखा देते हैं, ताकि दोनों डायग्राम देख के आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये L&T कंपनी का यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेमी फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो कि L&T कंपनी का है। सारे टाइप जो होते हैं M1 M2 M3 सभी में यही सेम वायरिंग होता है। देखिए ये जो कि टाइमर से दिया हुआ है बराबर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।